केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने आज जयपुर में यशस्विनी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं के समाज में महत्वपूर्ण योगदान पर जोर देते हुए कहा, भारत की संस्कृति में महिलाओं का योगदान आदिकाल से रहा है। सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में तीन देवियों ने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम किया है। मांझी ने बताया कि वर्तमान में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है, चाहे वे अंतरिक्ष में जाना हो या सेना में शामिल होना। हमारी बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही, उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। इस अभियान को राजस्थान से लॉन्च करने का विशेष उद्देश्य है। मांझी ने कहा, यहाँ की महिलाएं न केवल मजबूत होती है बल्कि वे हाथ की कुशल कारीगर भी है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान के महिलाओं को उनके कौशल और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, जिससे राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग है, अभी आपने सुना होगा, समस्त भारत में लगभग 6 करोड़ इसकी इकाइयां हैं और इसमें 12-13 करोड़ लोग लगे हैं। एक तरफ भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, सबको नौकरी नहीं दे सकते, रोजगार दे सकते हैं, तो इस रोजगार देने के लिए और भारत का जो हमारा GDP है उसका 30% अंश ये हमारा जो MSME विभाग है वो देती है। तो कहने का मतलब भारत की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए सामाजिक क्षेत्र में हमारे जो अनियोजित लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए और विशेष करके महिलाओं को और शेड्यूल कास्ट को, जिनको बहुत आवश्यकता है रोजगार की, उनके लिए ये सब व्यवस्था किया है। और आज यहाँ आप जानते हैं हमारे MSME का एक अंग है जसस्वनी योजना का ही लॉन्चिंग आज यहाँ हम लोग किया है, जिसमें सभी महिलाएं आई हैं, महिलाएं उद्यमी बने, इनको बैंकों से सुलभ लोन मिले, अपना काम करें ताकि बेरोजगारी मिटे और राज्य का और देश का आर्थिक स्थिति ठीक। आए दिन देखा जाता है, सब जगह वैसी बात नहीं है, कहीं कहीं वैसी बातें देखी जाती है जहां लोन कर देने में दिक्कत होती है, तो उस चीज़ के बारे में जब हम खुद जान रहे हैं और लोगों के डोमेन में ला रहे हैं तो ज़रूर उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे, इसलिए वो बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक बहुत बड़ी समस्या की बात आज हमने की है कि हमारे विकलांग निःशक्त बेटियां भी इसमें काम करती हैं, जिनको कि कोई प्रकार का कहीं नहीं रहता है सहयोग, तो उनके लिए जो बैंक में जो मार्जिन मनी देना पड़ता है 25%, तो हमने कहा है कि 25 लाख रुपया तक उनको बैंक में मार्जिन मनी देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपना व्यापार करेगी और उससे अपना लोन चुका देगी।